नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से रिलेटेड बहुत सी रिपोर्ट्स निकल के आती है। हमेशा इनको एज अ डिक्टेटर के रूप में देखा जाता है और इनकी डिक्टेटरशिप बहुत ही खतरनाक है। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने ऑर्डर दिया था जिसको भी कोविड है उसको गोली मार देना, और बहुत से अजीब अजीब रूल बना रखे हैं इन्होंने। इनसे सब लोग डर के रहते हैं और इनके इसी डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की भी कोशिश करते हैं। गलती से कोई भी पकड़ में आ जाता है उसको ऑन द स्पॉट गोली दे दी जाती है और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को जेल में डाल दिया जाता है। और रिसेंटली डेली स्टार को इंटरव्यू दिया है यो मी पार्क ने। ये नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है। ये 2007 में नॉर्थ कोरिया से चाइना चली गई थी और चाइना के बाद साउथ कोरिया चली गई थी और आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट में सेटल्ड है। ये एक ऑथर और यूट्यूबर है और इन्होंने रिसेंटली रिवील किया है कि किम जोंग उन प्लेजर के लिए 25 वर्जिन गर्ल्स हर साल पिक करते हैं जो उनको प्लेजर देवें, और इन 25 वुमन की स्क्वाड को प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। और हर वुमन को पिक करने का तरीका भी अलग है। हर वुमन को उनके लुक्स और लॉयल्टी के ऊपर से पिक किया जाता है और उनको पिक करने के बाद उनको इस तरीके से देखा जाता है कि ये कंट्री के ऑनर की बात है इनको पिक किया गया है। इनके फैमिली स्टेटस को भी देखा जाता है। बहुत से कारणों की वजह से लड़कियों को डिसक्वालीफाई भी कर दिया जाता है। हर क्लासरूम में किम जोंग उन जाते हैं या फिर उनके लोग जाते हैं, इवन वो प्लेग्राउंड्स में भी जाते हैं कि कोई भी प्रीटी गर्ल उनसे मिस ना हो जाए। उसके बाद पिक करने के बाद उनकी फैमिली स्टेटस को देखा जाता है। कोई भी फैमिली मेंबर नॉर्थ कोरिया से भागा तो नहीं है या फिर उनका रिलेटिव साउथ कोरिया या अदर कंट्रीज में रहता तो नहीं है। अगर रहता है तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उनकी वर्जिनिटी को कन्फर्म करने के लिए, और मेडिकल चेक करने के बाद उनकी बॉडी पर स्कार्स को भी देखा जाता है। अगर हल्का सा टाइनी स्कार्स भी यानी कि छोटे से छोटा स्कार्स भी है तो उसके बाद भी उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। और ऐसा सब होने के बाद उनको पिक किया जाता है। पिक करने के बाद तीन ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है इन लड़कियों को। पहला तो है जॉय डिवीजन, जिनको एंजॉयमेंट के लिए रखा जाता है। इनका मेनली काम होता है सिंगिंग और डांसिंग। ये लोग एंटरटेन करते हैं किम जोंग उन को। अगले डिवीजन में उन लड़कियों को भेजा जाता है और उनको मसाज टेक्निक सिखाई जाती है कि मसाज कैसे करनी है और थकान कैसे उतारनी किम जोंग उन की। और थर्ड डिवीजन होता है सेक्सुअल डिवीजन, जिनको इंटीमेट होना होता है किम जोंग उन के साथ। जो सबसे प्रीटीएस्ट होती है वो डायरेक्ट किम जोंग उन के पास जाती है और बाकी की जो वुमन्स है वो दूसरे जो मेंस होते हैं किम जोंग उन के उनको प्लेजर देने के लिए रखा जाता है। वहीं योनमिन ने यह भी बताया था कि मुझे भी पिक किया गया था इस स्क्वाड में, लेकिन मेरे फैमिली स्टेटस की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। जब योनमी से पूछा गया था कि ऐसा क्यों करते हैं, उनके पेरेंट्स मना नहीं करते, तब उन्होंने बताया था कि इतनी हार्श कंडीशन है कंट्री की, अगर वो एग्री कर देंगे उनकी डॉटर को प्लेजर स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए तो शायद से वो भूखमरी से बच जाएंगे यानी कि हंगर से बच जाएंगे, जिसके लिए वो लोग एग्री भी कर देते हैं। और मिड 20s तक आते जाते ये जो प्लेजर स्क्वाड की वुमन्स होती हैं इनको रिटायर कर दिया जाता है। माना जाता है कि ये बहुत ओल्ड हो गई हैं और किम जोंग उन के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनसे इनकी शादी करा दी जाती है और एज अ ऑनर ऑफ कंट्री इनको देखा जाता है। और योनमी पार्क ने ये भी रिवील किया कि जो किम जोंग उन के फादर थे वो भी इस टाइप की चीज़ करते थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो टीन्स के साथ ऐसा करेंगे तो उनको इमोर्टलिटी यानी कि अमर होने का वरदान मिल जाएगा। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल के आई है। रियली आई फील वेरी बैड फॉर द नॉर्थ कोरियन पीपल्स। वीडियो अच्छा लगाओ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।